हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो गेयर बॉक्स होता है, जो कि अक्सर जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है, कई बार दोस्तों इसके अंदर होता ही है दोस्तों ये ख़राब हो जाता है, जिसके कारण इसमें पानी लेके जाता है, हमें जो इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, हमें नया लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कई बार होता है, कई बार जो गेयर बॉक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, या ऐसी कोई पोजीशन होती है या कंडीशन होती है जब हमें उसी गेयर बॉक्स को रिपेयर करना पड़ता है, तो उसी के तालुक से आज आपको मैं कुछ अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रही वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। दोस्तों कई बार होता है ये देखिए दोस्तों, कई बार इसमें जो है ये इसके जो अंदर के जो कीड़े होते हैं, जो अभी मैं आपको इसको खोल के बताऊँगा, इसके जो अंदर के दांते होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, जिससे नहीं होने से भी गेयर बॉक्स चलता है, एकदम परफेक्ट तरीके से चलता है, एकदम वर्किंग करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी लीकेज होने की वजह से, ठीक है दोस्तों, पानी लीकेज होने की वजह से हमारा जो है गेयर बॉक्स जो है ख़राब हो जाता है, जिसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें मात्र एक छोटा सा सामान लगाना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा जो गेयर बॉक्स जो है चेंज हो जाता है, रिपेयर हो सकता है। ठीक है, ये ओरिजिनल गेयर बॉक्स होने के कारण, ठीक है दोस्तों, ये ओरिजिनल गेयर बॉक्स होने के कारण इसके अंदर अभी तक दांते घिसे नहीं है, इसमें सिर्फ पानी लीकेज हुआ है। ठीक है, पानी लीकेज होने के कारण इसके अंदर जो है लीकेज होने के कारण जो है मोटर के अंदर पानी चला गया, मोटर जो है ख़राब हो चुकी है और उसकी बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये गेयर बॉक्स जो अच्छा परफेक्ट तरीके से चल रहा है, काम कर रहा है, सिर्फ पानी लीकेज हुआ है। तो उसी के ताल्लुक से जो आपको मैं इसकी रिपेयरिंग करने के बारे में बताऊँगा कि इसको जो हम कैसे इसका पानी लीकेज रोक सकते हैं, और जो है हम पुराने गेयर बॉक्स को ही जो है हम आसानी से जो है रिपेयरिंग करके काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके ताल्लुक से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैंने और भी फुली ऑटोमेटिक से रिलेटेड, फ्रीज से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है दोस्तों, और रिसेंटली पीछे मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर मैंने प्रेशर स्विच के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, प्रेशर कितने वोल्टेज से चलता है, प्रेशर स्विच में क्या होता है, उसको किस तरह से चेक किया जाता है, मैंने अलग अलग प्रेशर स्विच के बारे में आपको जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं, उसको रिपेयरिंग के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से हम इसका जो है पानी लीकेज रोक सकते हैं और कैसे हम इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। अगर इसके दांते सही है तो हम इसी पुराने गेयर बॉक्स को जो है काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, मैं आपको जो है यहाँ पर आपको जो तीन बोल्टू लगे हुए हैं, एक, ये दो, ठीक है दोस्तों, और एक तीन, ये तीनों बोल्टू आपको खोलना है, जिससे ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाएंगे और हम अंदर का जो है सामान अच्छे से नजर आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अंदर से जो इसका जो पानी लीकेज हो रहा है, दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर से जो है पानी लीकेज होने लगा है। जैसे ही मैंने एक बोल्ट खोला, इसके अंदर जितना भी पानी था सब पानी जो है बाहर आने लगा है। इसकी वजह से हम इसको जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं, इसी के कारण हम इसको जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं। आपको दोस्तों नजर आ रहा होगा इसके गेयर बॉक्स के अंदर से जो है पूरा पानी जो है बाहर की तरफ गिर रहा है, गेयर बॉक्स में से पानी निकल रहा है। इसी के कारण से हम जो है इसको गेयर बॉक्स को जो है रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। इसकी मैं आपको इसकी जो पूरी वर्किंग बताऊंगा, इसके अंदर कैसे जो पानी लीकेज कहां से कैसे हुआ, पहले हम इसको गेयर बॉक्स को पूरा खोल लेते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जब भी आप इस तरह का गेयर बॉक्स खोल लें, उससे पहले आप जो है इस तरह का जो खांचा बना हुआ हो, ठीक है दोस्तों, उसका पहले आप यहाँ पर निशान लगा लें, या उस चीज़ को आप याद रख लें या फोटो खींच लें, जिससे आपको कोई वापस फिटिंग करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो आसानी से आप इसको जो है वापस फिटिंग कर सकें। ये देखिए दोस्तों, अभी भी आपको इसके अंदर कितना सारा पानी अंदर नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर पानी बहुत सारा भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं बता दूँ, ये जो देखिए दोस्तों अंदर से पुली हमारी बेल्ट इस तरफ लगी हुई होती है, ये जो खांचे में आपको दोस्तों नज़र आ रहा, दांते नज़र आ रहा होगा, ठीक दोस्तों, ये दांता जो है इसके अंदर चलता है, जिससे चलने का ये चलता है, जिससे ऊपर वाले शाफ्ट ही हमारे घूमते हैं, ये इसको दांते होते हैं, इसके ये कीड़े होते हैं, ये घिस जाने के कारण जो है हमारी मशीन जो है कई बार घड़ आवाज़ करती है, जिससे हमें रिप्लेस करना पड़ता है।
लेकिन इसके अंदर से पानी लीकेज की शिकायत हुई है, पानी लीकेज इसके अंदर से पानी लीकेज हुआ है। ठीक दोस्तों, उसको जो मैं आपको रिपेयर करने बताऊंगा उसको कैसे हम रिपेयर करें। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर दोस्तों दोस्तों यहाँ पर एक वाटर सील लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर एक वाटर सील लगी हुई है और जिसके कारण से पानी लीकेज होता है वो कई बार कट जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से जो है ये हमारी पानी मशीन जो है लीकेज करने लग जाती है। पानी यहाँ से अंदर चला जाता है, अंदर चले जाने के बाद यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद ये जो गैप होता है, इन दोनों का जो गैप होता है दोस्तों आपको देख रहे होगा यहाँ पर, इन दोनों का जो गैप होता है इस जगह से जो है पानी निकलने लग जाता है। अब आपको इसको दोस्तों सील को लगाना कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको गियर बॉक्स खोल के आपको ये ढक्कन जो है नीचे की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद आपको जो ये वाला जो हिस्सा गियर का ये आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक दोस्तों, बाहर निकाल लेने के बाद दोस्तों आपको ये ऊपर वाला जो कवर होता है उसके अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों काली काली आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये जो है हमारी सील ऑयल सील होती है, इसको ऑयल सील बोलते हैं। दोस्तों इसको वाटर सील भी बोलते हैं, ऑयल सील भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम हो सकता है। अब इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपली आपको पेचकस की सहायता से दोस्तों आपको पेचकस की सहायता इसको सिंपल इसको जो है बाहर निकाल लेना है। तो ये जो हमारी वाटर सील है ये ख़राब हो चुकी है, अब हम इसकी जगह है जो नई वाटर सील लगाने वाले हैं, जिससे हमारी पानी लीकेज की शिकायत जो है ख़त्म हो जाएगी और हमारा गियर बॉक्स जो है अच्छे तरीके से वापस पुराने ओरिजिनल की तरह काम करना लग जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी कमी के कारण ही हमारा जो है गियर बॉक्स जो है ख़राब होता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खराबी वाली बात नहीं है। इसके अंदर पूरा काला ग्रीस है दोस्तों, इसके अंदर पूरा काला ग्रीस है जो हमने हटा लिया है। ठीक है, तो हमने जो पूरा गेस हटा लिया जिससे हम इसको मैं आपको बता सकूँ ये हमारी जो सील है किस तरह से ख़राब है, किस तरह से हमारी जो सील जो है कट चुकी है। ये देखिए तो हमारी जो सील है आपको बता दूँ, देखो कितनी इसके अंदर जो है मूवमेंट आ चुकी है, कितनी जो इसके अंदर चाल पड़ चुकी है, ये बहुत सारी चाल पड़ चुकी है जिसके कारण जो है ये हमारी सील जो है ख़राब हो चुकी है। अब मेरे पास एक दूसरी एक नई सील है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो सील ख़राब है, अब मेरे पास एक अनदर एक नई सील पड़ी है जिसका जिसका नंबर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका नंबर जो है 12257 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है जिसका नंबर 12257 है। ठीक है दोस्तों, 12257 का मतलब दोस्तों 12 mm तो ऐसे है दोस्तों, 25 mm और 7 mm इसकी जो थिकनेस है, इस तरह से इसका जो 25 7 mm होता है यहाँ पर इसकी 12 वाली साइज एकदम परफेक्ट आ रही है। और आपको दोस्तों बता दूँ इसके अंदर भी ये जो है आराम से जो है फिटिंग हो रही है। इसके अंदर देखिए किसी तरह की कोई चाल इसमें अंदर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। इसमें किसी तरह की कोई चाल नज़र नहीं आ रही, हमारे जो है ये सील एकदम परफेक्ट तरीके इसके अंदर जो है काम कर सकती है। अब सिंपली दोस्तों आपको इसको लगाने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला जो है इसके अंदर मैं सील लगानी है वो आपको जो है अच्छे तरीके से पूरा साफ़ कर लेना है। आपको जो जितने भी इसके अंदर गंदगी लगी हुई है दोस्तों आपको पूरा जो है साफ़ कर लेना है, जिससे हमारा जो है किसी तरह की कोई गंदगी इसके अंदर ना रहे और हमारा जो है फिटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस तरह से आपको लगाने के बाद आपको जो है ये जो आपको जो इसके आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी इसके अंदर इसका जो है आपको गैप आपको ये जो ऊपर रबड़ वाला मुंह जो होता है आपको जो है ऊपर की तरफ रखना है। ये जो है मुंह ये वाला मुंह जो है आपको ऊपर की तरफ रखना है और इसके अंदर जो है ऐसे पुश कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है इसके अंदर सील पुश कर देना है। पुश करने के बाद आपको किसी तरह से कोई आपको जो कोई चीज़ लेनी है पाइप वगैरह लेना है उसके बाद आपको जो है ये सील पूरे अंदर बैठा देनी है। ये देखिए तो आपको किसी तरह से सील पूरी जो है अंदर इसके अंदर बैठा देनी है। बैठाने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है लुब्रिकेंट लगाना है, ग्रीस लगाना है। आपके इसकी रॉड पे ऊपर जो है अच्छे से पूरा है जो है ग्रीस लगा देना है, लुब्रिकेंट लगाना है, जिससे क्या है हमारी सील जो है आसानी से जो अच्छी तरह से मूवमेंट कर सके। उसके बाद आपको दोस्तों ये जो हमारा जो टॉप कवर होता है वापस इसके अंदर आपको जो है ऊपर की तरफ फिटिंग इस तरह से कर देना है। ठीक दोस्तों, अब इस तरह से जो हमारी जो सील है वो अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से हमारी सील फिटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब फिटिंग करते समय आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आप इस तरह का ग्रीस जो है इस तरह के गियर बॉक्स में भी भर दें, जिससे क्या है हमारा जो है ये गियर बॉक्स आवाज़ नहीं करेगा और स्मूथ चलेगा।
जैसे ये हमने इसको खोला था, आपको याद होगा दोस्तों, हमने खोला था, इसके अंदर जो है पुराना ग्रीस काला काला निकला था, वो पूरा गंदा हो चुका था। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमारे जो है पानी जाने से क्या है, ग्रीस बहुत ख़राब हो चुका था। हमने जो इसका प्रॉपर नया ग्रीस लगाने के बाद आपको जो है अच्छे से फिटिंग कर देना है। और ये पीछे एक बुश होता है, उसके अंदर भी आपको जो है अच्छे से पूरा ग्रीस लगा लेना है, वाश वगैरह आपको पूरा लगा लेना है। अगर दोस्तों आपको इसमें किसी तरह की कोई कमी लगती है या कोई चीज़ तरह आपको समझ नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से मैं आपके लिए हेल्प करता रहता हूँ। ठीक दोस्तों, किसी अब आप इस तरह से पूरा आपको फिटिंग करने के बाद दोस्तों आपको ये जो हमने तीनों बोल्ट खोले थे, वो तीनों बोल्ट आपको जो है वापस कस देने हैं इसके अंदर। इस तरह से पूरे तीनों बोल्ट आपको कस देने हैं दोस्तों। कसने के बाद आपको फिटिंग करके चला के देख लेना है। मैंने कई सारे इस तरह से गेयर बॉक्स रिपेयर किए हैं, तो आप भी इस तरह से जो है गेयर बॉक्स जो है रिपेयर करके आसानी से जो है अपना जो कीमती समय बचा सकते हैं और जो है कस्टमर का भी इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल भी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।